हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? नए दिन की नई शुरुआत उदय बलोच ब्लॉग के साथ में गाइस। तो गाइस, मैं ये ब्लॉग अभी रात में शुरू कर रही हूँ कि बच्चे गए हैं इज्तिमा में और अभी तक आए नहीं हैं। इज्तिमा मतलब बयान हो रहा है मस्जिद में और बच्चे अभी तक नहीं आए, तो चलो उनको जाते हैं ढूंढने के लिए। रात में ब्लॉक, ये 9वीं की रात है और कल 10वीं का दिन दिखेगा मुहर्रम का। तो मुहर्रम में ऐसे कि नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करे और जितनी भी दुआ करेंगे उस दिन हर तकलीफ़ों का रास्ता निकला था। तो वैसे भी हमारी जितनी भी दुनिया में जितनी भी तकलीफ में है, जितने भी परेशान हैं, अल्लाह तबारक व ताला जैसे गाइस चलते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए कि एक भी बच्चा अभी तक घर पे नहीं आया, ना खाना खाए ना कुछ, बस शरबत बनाना है उन लोगों को। रात भर जागेंगे, अब जाके सभी को ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, पर वो शरबत के चक्कर में ये लोग ना रात भर, तीनों भाई आएंगे ना कुछ। चलो देखती हूँ कौन मिलता है, अभी तीनों में से कौन एक मिले उसको पकड़ के लाती हूँ और फिर कंटिन्यू होते हैं अपने ब्लॉग के साथ। गाइस पूरे बच्चे आ गए हैं इज्तिमा से, देखें, और हमारा जियान भी है इज्तिमा में। कौन बक 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 बक, बता तेरी बक बक क्या है बक बक। सब बच्चे सब खास क्या मिला है नियाज में? ओहो इतना बड़ा बड़ा खाजा मेरे लिए, खाजा फातिमा मुझे खाजा, वो भी बड़ा बड़ा खाजा फातिमा। ओहो हो हो, बटाटे को भी बड़ा वाला मिलेगा। अरे खाजा बच्चे। वह सिदान का है, सिदान वो शरबत के चक्कर में रोड पे गया है। सिदान खा 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 ले, देखो अपना चट्टी गैंग शरबत के लिए भागम दौड़ी चालू है। क्या हुआ है, कहाँ भागम दौड़ी थी रात को चालू है? मसला झूठा लेके बाद जा रही छुट्टी लेके, नोट गिन रहे थी। बड़ा बड़ा वाह तेरे, जल्दी जाओ दूध लेके आओ, हाँ गिन ले। हाँ अल्लाह हाफिज। ए गोल्डी कहाँ गई? अरे गोल्डी भाग गई, अरे मेरी गोल्डी भाग गई। मिल चुकी है सवेरे से गुल थी, अब आई है रात में घर पे। उसको बाथरूम में जाने दे, उसको बाथरूम में जाके जरा फ्रेश हो जाएगी। ओए स्नो, अब वो आई है ना, ये ज्यादा ही इतराते घूमेगा। ले झगड़ा ले झगड़ा, भाई क्या हो गया तुम लोग का, कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी का? तो गाइस देख रहे रिवर के, कितना प्यारा है ना ये। नहीं, इतना प्यार है देखने में, इतना खूबसूरत है, खाने में तो दिल प्यार से ना। ब्लॉगर भैया का नाश्ता यहाँ रेडी है, आज खटिया खा रहा है। देखो तैयार होके निकल रहा है क्योंकि मेरे काम पड़े हुए और इज्तिमा हो गया है शुरू। क्या आया मोहम्मद अंकल का? अरे अच्छा, उन्होंने पैसा दिए थे। देखो जिस जिसने पैसा दिया उसकी शरबत की तैयारी हो गई है शुरू। अब ब्लॉगर भैया आपका शरबत, ओ भैया आपका शरबत। अच्छा ये बांटने वाले जी, जो जो जन पैसा देता है ना गाइस, ऐसे बच्चे ना सभी के घर पे ऐसे भी जाते वाटर। तो उदय भाई आपके यहाँ का शरबत मिलेगा कि नहीं हम लोगों को? क्या ढूंढता है पता नहीं मोइन के बैग में। अगर मोइन ब्लॉग देखा ना, इसकी तो गई वाट लग गई तेरी बेटा, वाट लग गई। और गाइस यहाँ पे मैं बिरयानी पकाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चावल धो के मैंने भिगोने रख दिए हैं और आगे आपने देखा ही होगा कि मैंने मसाला निकाल के लगा दिया है। तो गाइस इसको पोंछ के रखते हैं और मिलते हैं आगे शरबत बनाने की तैयारी में। तो गाइस पकाने की तैयारी में लग चुकी हूँ, पका रही हूँ बिरयानी जैसे कि आपको पता है। अब ये मसाले पूरे भुनने रख दी हूँ, गैस गर्म है बाबा, पकड़ना पड़ेगा पकड़ से। ये देखिए मसाले पूरे लगा के रखी थी, अब इसको भुनने की तैयारी है शुरू। और चावल को अभी एक घंटा ही हुआ भीग के, दो घंटा होगा तो मैं चावल को भी चढ़ाऊंगी साइड पे। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह, जरूर बोलना। अगर टोप छोटा पड़े तो मुझे लगता है बड़ा टोप लेना ही पड़ेगा। तो चलो इसको रखते हैं भुनने के लिए और दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, कोथमीर पुदीना थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला नमक हल्दी नमक डाल के चढ़ा दी हूँ।
तो इसमें उबाल आया, इसके बाद में थर लगाते हुए आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। तो गाइस यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो। और मुझे बनाना है शरबत, मैंने शक्कर भी साथ में डाली थी और सब चाहते क्या ठंडा हो गए दूध, तो मैं बाकी की तैयारी करूँ। सबसे परेशान हूँ कि अब ठंडा हो, अब ठंडा हो, वो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे कस्टर्ड खोल के रखा था, बिस्मिल्लाह कौन इस तरह बनाता है कस्टर्ड, जरा कस्टर्ड ही निकल रहा है मुँह से। शरबत शरबत कौन कौन बनाते हैं अपने अपने स्टाइल के, जरा मुझे टेक करे मैसेज, देख सकते हो दिखने में इतना खूबसूरत है। और हम डालेंगे काजू बादाम, मैंने पहले से काजू बादाम पिस्ता कट करके रखा था, इसमें चारोली भी है। न्याज भाई न्याज मामू से इनके नाम की, और बच्चे ज़्यादा कॉन्टेंट बना रहे हैं बाहर, तो मिलते हैं आगे बाहर के न्याज के साथ में इंशाल्लाह। थोड़ी तैयारी ज़रूर बताऊँगी बच्चों को बोल के कि बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, घड़ी घड़ी सब आदमी खड़े होते, जेंट्स खड़े होते, जाना अच्छा नहीं लगता है। गाइज आप देख सकते हो बिरयानी मैंने दम पे रख दी है, मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर डाला है, पुदीना कोथमीर और अपना भी लिस्ता है, और रखते हैं अब इसको दम पे, इस पर कुछ वजन रखते हैं। जैसे टोप, आधा टोप पानी भरा हुआ है, ये वजन टोप मैं अब इस पे रखूँगी। चलो मिलते हैं बिरयानी बनने के बाद, क्योंकि अभी शरबत की तैयारी बाकी है गाइज। तो गाइज यहाँ पे करते हैं बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हो पाती के लिए निकल रहा है यहाँ पे खाना, और बिरयानी तो इतनी खुशबू आई है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। इस पर हो गया फातिया और हमारी शरबत पहले से ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, अब होगी इस पर फातिया। ये है नियाज, अम्मा की दरजारी है, फातिया दिला चुके हैं और अब निकल रहे अम्मा के इधर देने के लिए। इस देखो एहतशाम आया है शरबत लेके, गलती लेते सुहान। अरे सुहान इसके दोनों भाई के बीच में मैं कन्फ्यूज, बोले हर बार तुम मेरा नाम गलत लेते बाय। और यहाँ पे भी देखो ये बच्चे आए हैं शरबत बांटने, कहाँ है भाई मेरा नियाज, ये बच्चे ये लड़कियों ने बनाए हैं चाली के, ये लड़की लोग ने, मैं खाली करके देती हूँ। तो फिर ऐसा करेंगे तुम, अरे चलो रे बाबा, चलो चलो बैठो वहाँ बैठो, अदब से थोड़ा बैठो, ये लोग नाज सलाम पढ़ के आए मस्जिद में, बैठो बैठो। हाँ गाइस इन लोगों ने अभी नाथ पढ़ के आए मस्जिद में और यहाँ पे शरबत बनाया, ये लड़की शरबत फातिया का शरबत है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कौन सी नाथ तुम लोगों ने पढ़े वहाँ पे, हमने अपने नबी इमाम हुसैन के नाम पे बनी है, और एरिया वाले लोग बोले माशाल्लाह, लड़की लोग ने भी इस बार बना चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कत आएगा ना इंशाल्लाह, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो कौन सी नात पढ़े तुम लोग ने, हाँ अलमीरा को तो बहुत हंसी आती है भैया, अरे भैया क्या पढ़ के सुनाएंगे मेरे को, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, जिनके बच्चों को प्यासा सुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा सताया गया, इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।
बात नहीं सर बात नहीं क्यूँ मैं। अच्छा जाओ जल्दी जल्दी शरबत बांटो नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। मीनापा नहीं नहीं मीनापा खड़े रहो कितना गुस्सा होके चले गए। अरे उनको बाहर जाने का पहले उनके लिए बना दो पानी इसमें छोटू। हाँ क्या हो गया जैसी तुम लोग रहेंगे तो हम लोग बनाएंगे ना। तुम है कहाँ बेटा किधर देखो अभी तक लोग सामान नहीं आया और ये लोग का ब्लॉग बनाओ और ये तो कोई काम धंधे का ही लड़का नहीं है। सही बोले सुन रहे रात भर जागे लाए उदय बाकी है जिदान बाकी है सब बाकी है मैं देख रही हूँ उदय सबका बनेगा बेटा सबका। और किधर है अरे इसके तो रिश्ता आएगा ना इसके लिए मुझे छुपा रहा है यहाँ पे बच्चे लोग बाट के माशाल्लाह ऊपर तक भरा था बाट के इतना बचा है बचा नहीं बांटना है अभी भी देखो माशाल्लाह जरूर बोलना मैं भी देखती हूँ कितने तक नदी बहेगी। हाँ और कौन बाकी बाद में पहले बाट के तो ये भी सभी के घर पे जा रहा है शरबत गब्बू सबको बांट रहा है हो गया अपनी चाली में बांट के नहीं दे रहे ना बोलते नहीं गए गाइस मेरे लड़के का तो दुआ मांग रहा जियो अले बबले हाँ कहाँ पे नहीं लम्मा छोटा सा आदमी तेरी नाड़ी भी दिख रही है छोटे से आदमी की नाड़ी भी दिख रही है अरे पटानी पहने लाए चलो खाना खा लो चलो चलो फिर जाएंगे शरबत बांटने जाएंगे जान पटानी सिर्फ झगड़ा जिंदगी में जल्दी जाओ जल्दी जाओ अपनी चेयर पे बैठ जाओ जियान कैसा बैठे बताओ जरा। अरे अरे मेरी जान पुष्पा बैठे हाँ जियो ए मैं बहुत मारता हूँ गाइस देखो किस तरह बैठेगा अटक गया पीछे पीछे जाएगा बैठो 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 जियान उस पे मचियान गिर जाएगा जियान पागल लड़के ये मियाँ घर पे अपन ऐसा नहीं कि कहीं लेके जाए वाइफ को घुमाने फिराने बस घर में सब पड़े रहेंगे लेके कहीं नहीं जाएंगे। और ये विरार पास पकड़ने की तैयारी में ये विरार से आ चुका है और विरार पास ट्रेन में वो चढ़ चुका है और इनको कह रही कि कहीं तो चलो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो चढ़ो नहीं सुनने की तैयारी क्या बोलने का। तो गाइज आप देख सकते हो कल से जो ये लड़के लोग नहीं सोए अब सोए हुए खराटे की आवाज क्या गहरी नींद में ब्लॉगर भैया उधर है और ये इधर है टाइम देखे सिर्फ 9 बजे सो गए बकरी अंधी हो गई। तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब अखे दिन की भागदौड़ी के साथ में और इन लोगों की सुकून की थकान की नींद के साथ में करती हूँ मैं ये ब्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।